मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुलचे वाले छोले, जिनको बनाना बहुत ही इजी है। और इसको आप पनीर कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं, आलू कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर अनियंस कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कुलचे वाले छोले। कुलचे वाले छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप काबुली चना, और इसको मैंने 7 से 8 घंटे भिगो लिया था। आप चाहें तो इससे छोटा छोला आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके छोले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और आप चाहें तो इसकी जगह मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में छोलों को काला करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अनार का छिलका। मैंने इसको 4 से 5 दिन तक तेज़ धूप में सुखा लिया था, तो ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं। इससे काला रंग बहुत ही बढ़िया आता है छोलों के अंदर बिना किसी स्मेल के। आप चाहे तो चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में लेंगे 1 टीस्पून नमक, और यहाँ पर हम लेंगे 1.5 कप पानी। तो चलिए छोलों को हम बॉयल करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर लिया है, छोले कुकर के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 कप में पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपको थोड़े से ड्राई रखने हैं छोले तो आप थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं, और अगर ग्रेवी वाले बनाने हैं तो आप 1.5 कप या फिर 2 कप डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, अनार के छिलके डाल देंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और इसको हम हाई फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगाएंगे। 5 से 6 सीटी आने के बाद में अब हम कुकर का प्रेशर निकालेंगे। तो ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है छोलों का। और आप चाहे तो सूखे हुए जो आंवला होते हैं उससे भी काला कर सकते हैं छोले को। तो अब हम ये जो अनार के छिलके इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम छोलों को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैश करना है हमें, और ये देखिए छोले कितने अच्छे से गल भी गए हैं। छोलों को थोड़ा सा मैश करने के बाद में अब हम इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, और अब हम एक छोला थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि नमक ठीक है या नहीं। तो थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं और ऐड कर दूँगी नमक। इसके बाद में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। और आपको अगर थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है छोला तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्रीन चिली इस तरह से स्लाइस में कट कर ली थी, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद में मैं डाल रही हूँ 1 नींबू, और अगर आपको छोलों को थोड़ा सा और खट्टा करना है तो आप इसमें इमली का पानी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद में छोलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 लार्ज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 लार्ज टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा कुक करना है, तो इसके लिए हम इसको गैस पर रख देंगे, कढ़ाई को हाई फ्लेम कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे गैस के ऊपर। अभी इस तरह से हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम में। हम इसको 5 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद छोले अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है छोले के अंदर, बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है 1 बाउल के अंदर छोलों को। छोलों को हम स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च के साथ इस तरह से गार्निश कर देंगे, या फिर हरे धनिया से भी इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए छोले हमारे तैयार हैं,
और आप इसको पनीर कुलचे के साथ या फिर अनियन कुलचे के साथ या फिर आलू कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।